जय गो माता, जय गोपाल। सभी गौ भक्तों को प्रणाम। पूर्णिमा के दिन लापसी तैयार हो रही है पूर्णिमा के लिए, गौ माता के लिए। आप देख सकते हो हमारे डॉक्टर साहब जो पधारे हुए हैं, बना रहे हैं, और गौ माता के लापसी तैयार हो रही है। लापसी कल पूर्णिमा को जो शाम को बनाई जाती है, आज अभी तक तो गौ माता के सभी इलाज किया, इलाज करने के बाद में लापसी बनाई जा रही है ताकि कल पूर्णिमा को खिलाया जाएगा। क्योंकि जिस दिन बनाते उसी दिन ठंडी नहीं होती है, इसीलिए अब शाम को बनाएंगे। लगभग यह रात को 10 बजे तक तैयार हो जाएगी, फिर पूरी नाइट यह ठंडी होगी तो भी सवेरे गर्म मिलेगी। और शरद पूर्णिमा की आज रात को लोग खीर बनाते हैं, ऐसे ये लापसी बनेंगी। और आज लापसी के लाभार्थी गौ भक्त घेवरचंद जी, बहुत अच्छे गौ भक्त है। पहले भी एक दिन 1100 रुपये गौ माता के लिए किया था और आज 5100 रुपये किया पूर्णिमा के दिन गौ माता के लापसी के लिए। श्रीमान घेवरचंद जी, श्री सोगा जी पुरोहित, जो कोड़का से हाल बेंगलोर है, बहुत अच्छे गौ भक्त है हर समय, और पथमेड़ा से भी जुड़े हुए कई सालों से, और भिनमाल गोपाल कृष्ण गौशाला में भी बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं। बहुत अच्छे गौ भक्त है। गौ माता के लिए पूर्णिमा के लापसी के लाभार्थी बने, सभी गौ माता को लापसी बनाकर खिलाई जाएगी। गौ माता से यही प्रार्थना करते हैं, ऐसे गौ भक्तों के गौ माता अन्न धन का भंडार हमेशा भरा रखे। गौ माता से यही प्रार्थना करते हैं, गौ भक्त जो भी गौ सेवा में जुड़े हैं, माँ तू रक्षा करना। इस कली काल में तेरे सिवा कोई गौ भक्तों के रक्षा करने वाला नहीं है, इसलिए गौ माता से प्रार्थना करते हैं, जो भी तेरे से जुड़े हुए हैं माँ, उन गौ भक्तों के लिए दुआई मांग रहे हैं, उन गौ भक्तों के लिए सुख की प्रार्थना करते हैं, हमेशा खुश रखे, कभी गौ भक्तों के संकट ना आए। दुख हरणी सुख करणी माँ, तेरी लीला हमेशा गौ भक्तों पर बनी रहे। जय गौ माता, जय गोपाल। सभी गौ माता को पूर्णिमा को लापसी बनाई जा खिलाई जाएगी। यह देख सकते हो ऐसे चूना करके ताज़ा लापसी के लिए गौ माता के लिए पानी रखा जाता है। ऐसे प्रतिदिन नवरात्रि एकम से लेकर के होली के दूसरे दिन दुरली के एकम तक यह ऐसे प्रतिदिन लापसी बनाई जाएगी गौ माता को। ऐसे नहीं है मैं कभी लाइव नहीं करता हूँ, नहीं बनती, कभी इलाज में बिजी होते तो लाइव नहीं कर सकते, लेकिन लापसी प्रतिदिन गौ माता के बनेंगी। एक एक दिन के आप भी लाभार्थी बन सकते हो, यह बहुत पुण्य का काम है, और आपका दिया हुआ लाइव गौ माता तक खिलाते दिखाया जाएगा। जय गौ माता, जय गोपाल।